अगर आप चाहते हैं कि आपका हाउसकीपिंग ऑपरेशन स्मूथली रन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप टाइम पे घर चले जाएं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके डिपार्टमेंट में जो मॉर्निंग ब्रीफिंग हो रही है वो काफ़ी इनोवेटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, एक स्ट्रांग ब्रीफिंग हो। स्टाफ के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। स्टाफ को क्लियरली आइडिया हो जाना चाहिए कि उसे दिन भर में क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर या एज ए हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव आपको अपने डिपार्टमेंट की मॉर्निंग ब्रीफिंग कैसे लेनी है। तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रीफिंग कहते हैं किसे। ब्रीफिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टाफ एंड द सुपीरियर लेवल, जहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है कि आज उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है, कैसे वो अपना प्लान लेआउट कर रहे हैं ऑपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए, कितनी गैस कंप्लेंट्स है, गैस फीडबैक क्या है, कितने चेक इन हैं, कितने चेकआउट हैं, आज फंक्शन क्या रहेगा, वीआईपी इन हाउस, वीआईपी अराइवल, लॉन्ग स्टेइंग इन हाउस, सिंगल लेडी, और स्टाफ को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ब्रीफिंग में स्टाफ की प्रॉब्लम्स को भी सुना जाता है और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे, ताकि स्टाफ मोटिवेटेड रहे और वो अपना काम पे पूरा फोकस कर सके। वैसे तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर या हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव मॉर्निंग ब्रीफिंग लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल सुपरवाइजर ही रहे। एक हाउसकीपिंग सीनियर एसोसिएट भी मॉर्निंग ब्रीफिंग ले सकता है, ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके और आगे नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सके। ब्रीफिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। नंबर 1, ब्रीफिंग शुड बी ऑन टाइम। अगर ब्रीफिंग का टाइम मॉर्निंग 8 o'clock है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके डिपार्टमेंट की मॉर्निंग ब्रीफिंग शार्प 8 o'clock स्टार्ट हो जाए और हर एक एम्प्लॉई ब्रीफिंग में टाइम पर पहुंचे। नंबर 2, एवरी एम्प्लॉई शुड फॉलो द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। ब्रीफिंग में जितने भी एम्प्लॉई है, चाहे सुपरवाइजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, हाउसकीपिंग एसोसिएट हो, डेस्क अटेंडेंट हो, पब्लिक एज अटेंडेंट हो, हर किसी को ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अगर किसी एम्प्लॉय ने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो आप उसे वापस भेजिए, उसे बोलिए कि चाहिए पहले प्रॉपर ग्रूमिंग में आना। आपका नेम टैग गायब है, नेम टैग लगा के आइए। आपकी कमीज में स्टेन है, जाइए लॉन्ड्री में चेंज करके आइए। आपके शू पॉलिश नहीं है, पैक के लिए में जाइए, शू को पॉलिश करके आइए। विदाउट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड किसी भी एम्प्लॉय को शिफ्ट में नहीं लेना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और स्टाफ को समझ में आ जाएगा कि ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बिलीव मी आपका स्टाफ टाइम पे भी आएगा और प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। क्योंकि ग्रूमिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो और आप किस लेवल तक अपने गेस्ट की केयर कर सकते हो। नंबर 3, जो आपकी मॉर्निंग ब्रीफिंग है वो एनर्जेटिक होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ब्रीफिंग के टाइम पे एक स्लीपी मोड एक्टिवेट हो जाता है। गुड मॉर्निंग सुपरवाइजर, सो रहा है, कभी कभी तो स्टाफ भी सो जाता है क्योंकि ब्रीफिंग बोरिंग हो जाती है। तो आपको ये इंश्योर करना है ब्रीफिंग से पहले आप एक वार्म अप एक्सरसाइज कराएं। आप विश कीजिए टीम को एनर्जी के साथ, गुड मॉर्निंग टीम, या फिर आप अपने स्टाफ को बोलिए कि जब वो ब्रीफिंग में आ रहे हैं तो एक न्यूज की हेडलाइन लेके आए इंग्लिश में या हिंदी में, और उसको ब्रीफिंग स्टार्ट करने से पहले हर एक एम्प्लॉय से करवाइए। इसके 2 फायदे होंगे, एक आपके एम्प्लॉय के अंदर जितना भी हेजिटेशन वो निकलेगा, दूसरा उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा। या फिर आपने लास्ट में जो भी ट्रेनिंग ली है उससे कुछ सवाल पूछिए और जो जवाब दे रहा है वहां पे उसे एप्रिशिएट कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। 4, जो भी ब्रीफिंग ले रहा है, चाहे सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव, उसे ये इंश्योर करना है कि स्टाफ की ब्रीफिंग में आने से पहले उसकी प्री ब्रीफिंग सीट तैयार होनी चाहिए। यानी कि स्टाफ का ड्यूटी एलोकेशन होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, उसकी फ्लोर की जो भी चेकलिस्ट है वो अपडेटेड होनी चाहिए फ्रंट ऑफिस रूम रैक के अकॉर्डिंग। और ब्रीफिंग से पहले हर स्टाफ के हाथ में उसकी फ्लोर चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसमें पूरा डाटा अपडेट होना चाहिए। है कि टाइम फ्रेम, ब्रीफिंग कभी भी 15 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1-1 घंटे की ब्रीफिंग बेकार है, 5 मिनट में भी ब्रीफिंग नहीं हो पाती है। बिलीव मी, लोग कहते हैं कि 5 मिनट में क्विक ब्रीफिंग लो, भेज दो, नहीं। ब्रीफिंग मैक्सिमम 15 मिनट की होनी चाहिए, उससे ऊपर ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, वरना वो स्लीपी मोड में चली जाती है, स्टाफ बोर हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 5 पॉइंट्स को फॉलो किया है, बिलीव मी आपकी ब्रीफिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी और स्टाफ को क्लियर समझ में आ जाएगा कि उसे काम क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अगर स्टाफ के माइंड में ये आ गया ना, बिलीव मी आप अपना ऑपरेशनल बहुत ही स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। शाम को 5-6 बजे सुपरवाइजर घर जा सकता है। अगर आपकी ब्रीफिंग स्ट्रांग नहीं है, स्टाफ को नहीं मालूम कि क्या काम करना है, कैसे करना है, आपने प्लान लेआउट नहीं किया है, तो सुपरवाइजर देखा होगा मॉर्निंग 8 o'clock आता है,
और 9-9 बजे तक वहीं रहता है, 8 बजे तक वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना फंडामेंटल क्लियर नहीं किया, उसे काम कैसे करना है। तो आज ही अपना फंडामेंटल क्लियर कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग ब्रीफिंग तैयारी कीजिए। मैं आपको अब ब्रीफिंग लेके दिखा रहा हूँ कि ब्रीफिंग ली कैसे जाती है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपको अपनी टीम को पूरी एनर्जी के साथ विश करना है, नमस्ते ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते टीम, गुड मॉर्निंग टीम। आपको लग रहा है कि आपकी टीम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो एक बार और कोशिश कीजिए, एनर्जी लगा दीजिए, गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको लगेगा कि आपकी टीम आपको हल्का हल्का रिस्पॉन्स कर रही है। उसके बाद टीम को अपने साथ लेके जाइए, कम ऑन टीम, वन मोर टाइम विथ मी, गुड मॉर्निंग। टीम को ये लगना चाहिए कि अब वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, ब्रीफिंग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर स्टाफ ब्रीफिंग के समय में ऐसा है ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी सर, ओके सर, तो आप समझ लीजिए कि स्टाफ को वो ब्रीफिंग बोझ लग रही है। स्टाफ को ये महसूस कराइए कि इस ब्रीफिंग से वो जो सीख के जाएगा वो उसके कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, वो ब्रीफिंग में क्या क्या चीज सीख सकता है और यहां से वो अपने आप को किस लेवल पे लेके जा सकता है और वो अपना दिन भर का जो ऑपरेशन है कितने स्मूथली चला सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी स्टाफ की ग्रूमिंग चेक करनी है। ग्रूमिंग चेक करने के बाद आपको स्टाफ को फ्लोर एलोकेट करना है। मिस्टर जोशी, यू विल बी लुकिंग आफ्टर फर्स्ट फ्लोर, मिस्टर अंकित, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ सेकंड फ्लोर, अभिषेक फोर्थ फ्लोर। आपको हर एक स्टाफ को उसका फ्लोर एलोकेट करना है। उसके बाद आपको अपने हाथ में लेनी है प्री ब्रीफिंग शीट, जो आपने तैयार की है कि आज अपनी टीम को क्या क्या ब्रीफिंग देने वालों, कितने अराइवल है, कितने डिपार्चर है। आप उसे अपने हाथ में लेंगे, टुडे एक्सपेक्टेड अराइवल 17, एक्सपेक्टेड डिपार्चर 19, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग फॉर द डे विल बी 35 विद 75 पैक्स। टुडे वी डू हैव सम वीआईपी मोमेंट्स। वैसे तो हमारे लिए हर एक गेस्ट वीआईपी है जो होटल में रुका हुआ है या चेक इन कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हाईली प्रोफाइल गेस्ट होते हैं जिन्हें स्पेशल अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए भी टीम को ब्रीफ करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो टुडे वीआईपी गेस्ट अराइवल मिस्टर जॉर्ज, ही इज द चेयरमैन ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी एंड वी हैव अलॉटेड रूम नंबर 401। प्लीज नोट डाउन रूम नंबर टीम। मिस्टर एंटोनी, ही इज द एमडी ऑफ एबीसी कंपनी एंड वी हैव अलॉटेड रूम नंबर 407। प्लीज नोट डाउन ऑल द वीआईपी अराइवल रूम। मिस्टर सक्सेना, ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी एंड वी हैव अलॉटेड रूम नंबर 307। टुडे वी टू हैव वन सिंगल लेडी ट्रेवलर मिस लिया और हमने उनको रूम दिया हुआ है 201। टीम प्लीज चेक द रूम प्रॉपरली एंड इंश्योर दैट वीआईपी एमिनिटीज हैज बीन प्लेस्ड इन योर रूम। प्लीज फोकस ऑन द बाथरूम क्लीनिंग, चेक द लिनन क्वालिटी, लिनन शुड बी नीट एंड क्लीन, इंश्योर दैट मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर हैज बीन रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेल एंड प्लीज प्लेस सिंगल लेडी एमिनिटीज इन रूम नंबर 201। वंस योर रूम इज रेडी प्लीज टू कॉल मी, आई वुड लाइक टू चेक इट पर्सनली। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होना मुझे कॉल कीजिए, मुझे बता दीजिए। अगर आपको कुछ सामान नहीं मिला है, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको सामान मिले, लेकिन क्लीनिंग की कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको स्टाफ को बताना है कि कौन कौन से वीआईपी इन हाउस हैं, लेकिन उससे पहले आप स्टाफ से पूछ लीजिए क्या उन्हें मालूम है कि आपके होटल में कौन कौन से वीआईपी रुके हुए हैं। मिस्टर अभिषेक, वो ऑल वीआईपीज आर स्टेइंग विद अस। मिस्टर चंदन, अगर किसी स्टाफ ने बता दिया कि रूम नंबर 101 पे मिस्टर टोनी रुके हुए हैं जो वीआईपी हैं, तो स्टाफ को अप्रिशिएट कीजिए, क्लैपिंग करिए स्टाफ के लिए। ऑलवेज रिमेंबर एन एफर्ट विच अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। अगर स्टाफ को नहीं मालूम है तो गुस्सा नहीं करना है, स्टाफ को बताओ कि कौन कौन से वीआईपी इन हाउस है और स्टाफ को ब्रीफ कीजिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वीआईपी इन हाउस है और उनका नाम क्या है। एक्स्ट्रा क्लीनिंग फॉर द डे शुड बी इन्फॉर्म टू गेस्ट सर्विस एसोसिएट एज वेल एज पब्लिक एरिया अटेंडेंट सो दैट दे कैन कंप्लीट द टास्क। पब्लिक एरिया अटेंडेंट शुड बी अवेयर ऑफ फंक्शन ऑफ द डे। उसे मालूम होना चाहिए कि आज कौन कौन से फंक्शन है, बैंक्वेट में कोई फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो कितने बजे है, कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई फंक्शन है या नहीं, अगर है तो कितने बजे, ताकि वो उस एरिया को नीट एंड टाइडी रख सके एंड इंश्योर कर सके कि वॉशरूम में हर एक सप्लाईज एमिनिटीज प्लेस्ड है, ताकि गेस्ट को प्रॉब्लम ना हो।
अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, बर्थडे सेलिब्रेशन, वेडिंग एनिवर्सरी, अगर कोई ऐसा डेकोरेशन करना है, तो रूम एसोसिएट को मालूम होना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके और रूम को डेकोर कर सके ताकि गेस्ट को एक वाव वाली फीलिंग आए। ट्रेनिंग ऑफ द डे भी आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताना है कि आज शाम को हम कौन सी ट्रेनिंग लेने वाले हैं ताकि स्टाफ अपना काम करके ट्रेनिंग अटेंड कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ब्रीफिंग में लेना ही है वो है स्टाफ प्रॉब्लम। आपको अपने स्टाफ से पूछना है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब आप पूछेंगे तो आपके सामने कई प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि सर लिनन की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लॉन्ड्री से लिनन जो आ रहा है उसमें काफी स्टेन आ रहा है, सर हमें बाथ टब टाइम पे नहीं मिलते, सर पिल्लो कवर टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, सर केमिकल हमारे पास है नहीं, सर सप्लाई हमारे पास है नहीं, सर फ्रंट ऑफिस वाले लेट चेकआउट करवाते हैं और अर्ली चेक इन आ जाता है, तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, हमें झटके में रूम बनाना पड़ रहा है। आपको उन सब प्रॉब्लम्स को नोटेड डाउन करना है और इंश्योर करना है कि ये प्रॉब्लम स्टाफ को उनके ऑपरेशन के टाइम पे ना आए। अगर आपने ये इंश्योर कर दिया कि स्टाफ विदाउट प्रॉब्लम हंस हंस के काम कर रहा है, बिलीव मी उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कि आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, आपको हर रूम को चेक करने के लिए पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं, आप टाइम पे घर भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हाउसकीपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आता है। एक और गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए प्री ब्रीफिंग सीट तैयार करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा प्री ब्रीफिंग सीट के लिए। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।